सो हेलो गाइस सर, स्वागत है एक और नए वीडियो पे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा धमाकेदार माइक्रोफोन लेकर आ चुके हैं जो कि सर आज से पहले नहीं कभी आप लोग देखे होंगे और नहीं गई सर सुने होंगे, क्योंकि सर इस वाले माइक्रोफोन के अंदर है इनबिल्ट इको का फंक्शन जो कि सर बिना मिक्सर का और गई सर बिना DD3 का आप लोग इसके अंदर इको का फंक्शन सेट कर सकते हैं। तो गई सर ये है हाइडन का माइक्रोफोन जो इको का फंक्शन मिल जाता है। तो गई सर आज की इस वीडियो में हम इस वाले माइक्रोफोन का अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ ही गई सर इसका शानदार टेस्टिंग करेंगे कि माइक्रोफोन कैसा काम करता है, इसका इको कैसा काम करता है। साथ ही गई सर अगर आप लोग इस वाले माइक्रोफोन को लेना चाहते हैं तो ये माइक्रोफोन कहां से आप लोग घर बैठे मंगा पाएंगे और कितना प्राइस रेंज में ये माइक्रोफोन आप लोगों को मिल जाएगा। तो गई सर इस वाले वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को इस वाले माइक्रोफोन के बारे में मालूम चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PSTJ ब्लॉग नंबर 1 में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आप लोगों के लिए मैं आता रहूं। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सर इस वाले माइक्रोफोन का जो बॉक्स होता है कुछ आप लोगों को इस टाइप का इसका फ्रंट पैनल का बॉक्स देखने को मिल जाएगा जो कि गाइस सर यहां पर इसका हाइडन का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। साथ ही गाइस सर यहां पर इसका मॉडल नंबर HY EC01 यहाँ पर मेंशन किया गया है। और गई सर ये जो माइक्रोफोन है इको UHF वायरलेस माइक्रोफोन है जो कि गई सर माइक्रोफोन कुछ आप लोगों को इस डिजाइनिंग में देखने को मिल जाएगा। साथ ही गई सर इसके अंदर एक रिसीवर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो गई सर यहाँ से हम बॉक्स को ओपन करेंगे, ओपन हो गया है। तो गई सर ये जो बॉक्स ओपन होने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हमें मिलता है कंपनी का यूजर मैनुअल जो कि गई सर आप लोग इस वाले यूजर मैनुअल को पढ़कर इजीली आप लोग इस वाले माइक्रोफोन के बारे में अधिक जानकारी ले पाएंगे जो कि यहाँ पर कैसे इस ऑपरेट करना है। बाकी गई सर इस वाले वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ये वाला यूजर मैनुअल पढ़ने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर ही इस वाले माइक्रोफोन के बारे में सारा कुछ मैं आप लोगों को समझा दूंगा, इसका कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। बाकी गई सर आप लोग इसे चाहेंगे तो रीड भी कर सकते हैं। साथ ही गई सर इनका एक वेबसाइट है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं www.gbells.com यहाँ पर मेंशन किया गया जो कि आप लोग इनके वेबसाइट पे भी चेकआउट कर सकते हैं जो कि ये वाला माइक्रोफोन वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगा। और गई सर यहाँ पर एक मिल जाता है सबसे पहले ये वाला रिसीवर जो कि गई सर देख सकते हैं इस वाले माइक्रोफोन को इजीली ये कनेक्ट करेगा जो कि ये रिसीवर होता है। तो गई सर ये रिसीवर कुछ इस टाइप के देखने को मिल जाता है जो कि ये प्लास्टिक बॉडी में होता है। इसके अंदर ऑन ऑफ करने का एक स्विच मिल जाता है, यहाँ पर आप लोगों को 5 वोल्ट का DC चार्जर का यहाँ पर टाइप सी का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही गई सर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा हाइडन का ब्रांडिंग, साथ ही गई सर इसका मॉडल नंबर HY EC01 यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर TRX जैक मिल जाता है जो कि आप लोग इसे PA Mono Amplifier में भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, मिक्सर में भी लगा सकते हैं। यहाँ से ऐसे पुश कीजिएगा तो यहाँ पर ढक्कन ओपन हो जाएगा जो कि इसके अंदर एक बैटरी लगेगा। तो गई सर फाइनली यहाँ पर कंपनी ने एक बैटरी भी दी है जो कि लिथियम बैटरी है जो कि इजीली आप लोगों के मार्केट में ये वाला बैटरी कहीं पे भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इस वाले बैटरी को जैसे ही आप लोग ऐसे लगाइएगा माइनस और प्लस यहाँ पर चेक करके तो यहाँ पर लग जाएगा। और गई सर लगने के बाद ही इस ढक्कन को ऐसे बैठा देना है, बैठाने के बाद गई सर इस वाले स्विच को जैसे ही यहाँ पर ऑन कीजिएगा यहाँ पर ऑन दिखा रहा है तो यहाँ पर आप लोगों को 2 लाइट जल जाएगा जो कि एक जो है ग्रीन कलर का लाइट जलता ही रहेगा। जैसे ही इस वाले माइक्रोफोन को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक और भी लाइट जलेगा। तो ये हो गया रिसीवर का काम, तो यहाँ से इसे अब हम ऑफ कर देते हैं। साथ ही गई सर यहाँ पर टाइप सी का एक यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है जो कि ये हो गया केबल जो कि इजीली आप लोग किसी भी तरह के मोबाइल के चार्जर में कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। ये हो गया एंटी रोलिंग रिंग जो कि सर ये रिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है जो कि माइक्रोफोन के अंदर लगाने पर माइक्रोफोन इधर उधर नहीं घसकता है। और गई सर यहाँ पर देखने को मिल जाता है हमारा मेन यूनिट जो कि गई सर ये हो गया माइक्रोफोन। तो गई सर इस वाले बॉक्स के अंदर ज़्यादा कुछ भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर कंपनी इसका पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है ताकि ये जो माइक्रोफोन है सेफ तरीके से कहीं भी जा सके, किसी भी तरह पर आप लोग मंगाएंगे कहीं भी एड्रेस पर मंगाएंगे तो इसके अंदर कोई भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसका बॉक्स पैकेजिंग हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। फाइनली गई सर यहाँ पर हम बात करेंगे माइक्रोफोन के बारे में, तो यहाँ पर माइक्रोफोन के अंदर एक पन्नी निकलता है। और गई सर ये हो गया हमारा माइक्रोफोन जो कि गई सर माइक्रोफोन कुछ आप लोगों को इस वाले डिजाइनिंग में देखने को मिल जाएगा। तो गई सर माइक्रोफोन के ऊपर साइड में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा हाइडन का ब्रांडिंग, साथ ही गई सर इसका मॉडल नंबर HY EC01 यहाँ पर भी मेंशन किया गया। और गई सर ये हो गया इसका डिस्प्ले जो कि यहाँ पर जैसे हम इसके अंदर बैटरी को इन्वेल्ट करेंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले आप लोगों को शो हो जाएगा। और गई सर इस वाले माइक्रोफोन का जो ये हेड है, हेड काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इसका ग्रिल
स्टील जाली काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। साथ ही सर अगर हम इस वाले हेड को यहाँ से खोलकर आप लोगों को मैं ओपन करके दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर का ये जो माइक्रोफोन है कुछ इस टाइप की इसका चिप देखने को मिल जाता है, जो कि ये बगल साइड से आवाज़ को कवर नहीं करेगा, ये सामने से अपना आवाज़ क्लियर खींचेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा। साथ ही सर इसका मेटल बॉडी है तो भी काफ़ी ज़्यादा हमें पसंद आया। और गई सर इसके अंदर आप लोगों को एक फॉर्म भी देखने को मिल जाएगा, जो कि फॉर्म जो होता है आवाज़ को फिल्टर करके इस वाला माइक्रोफोन तक पहुँचाएगा, तो काफ़ी क्लियर एंड क्लीन ये वाला माइक्रोफोन आप लोगों को साउंड खींचेगा, जो कि सिंगिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का रहेगा। अब गई सर इस वाले माइक्रोफोन के लुक वाइज के बारे में बात करेंगे, तो इस वाले माइक्रोफोन का जो लुक वाइज है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, जो कि कंपनी काफ़ी अच्छे डिजाइनिंग में दिया है, जैसा कि एक प्रोफेशनल माइक्रोफोन होता है उसी तरह का यहाँ पर डिजाइनिंग देखने को मिल जाएगा। और गई सर काफ़ी ज़्यादा इसका प्रीमियम लुक यहाँ पर कंपनी ने दिया है, नो डाउट आप लोग इस वाले माइक्रोफोन को लेंगे और इसे हाथ में लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा फील होगा। और गई सर ये जो एंटी रोलिंग रिंग है इस वाले रिंग को कुछ इस तरीके से लगाया जाता है ताकि देखने में भी काफ़ी अच्छा दिखे और कलर मैचिंग भी पहचान चल जाए। और साथ ही गई सर इसका मेन रोल ये होता है कि जब ये माइक्रोफोन किसी समतल जगह पे ऐसे रखिएगा तो इसका ढकने का और गिरने का चांस नहीं रहेगा, एक जगह स्टेबल रहेगा, तो इस वाले माइक्रोफोन को इस वाले एंटी रोलिंग रिंग लगाने से यही फायदा होता है। साथ ही गई सर इसके बैक साइड में यहाँ पर आप लोगों को BAS का हॉलमार्क का देखने को मिल जाएगा। और गई सर यहाँ से जैसे ही इसे पुश कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोगों को बैटरी डालने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि इसके अंदर कंपनी बैटरी डालकर नहीं देती है, तो गई सर इसके अंदर हम बैटरी डालकर आप लोगों को चेक कराएंगे। तो फाइनली गई सर इस तरह का बैटरी लगेगा, जो कि आप लोग ड्यूरासेल का भी यूज कर सकते हैं या गई सर एवी रेडी का भी यूज कर सकते हैं। तो गई सर इसके अंदर हम बैटरी को डालेंगे, यहाँ पर दो बैटरी लगेगा, तो फाइनली गई सर यहाँ पर हम बैटरी को निकाल लेते हैं। तो ऑलराइट गई सर बैटरी कुछ इस तरीके से इसके अंदर जाएगा, जो कि यहाँ पर ये हो गया प्लस और इधर हो गया ये माइनस। तो फाइनली गई सर यहाँ पर बैटरी जैसे ही अटैच हो जाएगा तो इस तरह से आप लोगों को इसका जो ये वाला ढक्कन होता है आप लोगों को बंद करना होगा, जो कि इस तरीके से। तो गई सर जैसे ही ये बंद हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोगों को पावर ऑन ऑफ का एक स्विच देखने को मिल जाएगा, इस वाले स्विच को जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो इसके अंदर पावर आना चालू हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी ये फुल दिखा रहा है। साथ ही गई सर नेटवर्क और इसका फ्रिक्वेंसी सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को डिस्प्ले में शो हो जाएगा। तो गई सर जैसे ही इसके अंदर पावर आना चालू हो जाएगा तो ऊपर में सबसे पहले देखने को मिल जाएगा वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस, तो यहाँ से आप लोग वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप लोग वॉल्यूम को घटा सकते हैं। तो गई सर अगर आप लोग ऐसे घटाइएगा बढ़िएगा तो इसके बटन का कुछ भी काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर बीच में आप लोगों को एक सेट का बटन देखने को मिल जाता है, इस वाले सेट बटन को यहाँ पर 3 सेकंड के लिए प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर इसका फंक्शन आ जाएगा, जैसे कि देखिएगा। तो फाइनली गई सर यहाँ पर 3 सेकंड के लिए हमने प्रेस किया तो यहाँ पर फंक्शन आकर हट गया, तो इससे जल्दबाजी में ही हमें कम बेसी करना होगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 3, 4, 2, 1 हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं 2, 3, 4, 5 यानी 5 तक ये बढ़ता है, फिर इसे छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल ही उसी मोड में आ जाएगा, पुनः फिर से ये काम करिएगा तो नहीं होगा। तो यानी सेट वाला जो बटन है इसे जैसे ही दबाइएगा तो वैसे ही आप लोगों को फंक्शन का सेट करना होगा। और गई सर अगर आप लोग इसके अंदर इफेक्ट डालना चाहते हैं तो इस वाले सेट वाले बटन को फिर से 3 सेकंड के लिए प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन आ जाएगा। और गई सर ऐसे आप लोग बढ़ा घटा सकते हैं, जो कि देख सकते हैं इफेक्ट ये घट गया और गई सर यहाँ से ये बढ़ गया। अगर इसमें थोड़ा सा भी लेट कीजिएगा तो ये जो फंक्शन है काम नहीं करेगा, पुनः फिर से देखिए ये अपने मोड पे आ जाएगा। तो जब भी आप लोगों को इसके अंदर फंक्शन सेट करना होगा सेट वाले बटन को दबा कर रखना होगा, फिर उसी टाइम पे आप लोगों को इसका वॉल्यूम इफेक्ट का हो या वॉल्यूम का हो आप लोगों को बढ़ाना और घटाना होगा। साथ ही गई सर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फ्रिक्वेंसी प्लस का और फ्रिक्वेंसी माइनस का, जो कि आप लोग फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं। ऑलराइट गई सर यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका रिसीवर हो गया, जो कि यहाँ पर टाइप सी का चार्जिंग होता है, तो यहाँ पर जैसे ही इस वाले यहाँ पर ऐसे प्ले के इसके अंदर लगाइएगा और गई सर ये जो है आप लोग अपने अडेप्टर में लगाइएगा तो यहाँ पर आप लोगों को एक रेड कलर का बत्ती देखने को मिल जाएगा, जब रेड कलर का बत्ती बुझ जाएगा तो आप लोग समझ जाएगा कि ये वाला मेरा बैटरी फुल चार्ज हो गया है। और साथ ही गई सर यहाँ पर जैसे ही इस वाले को यहाँ पर ऑन कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ग्रीन कलर का लाइट जल गया, और जैसे ही इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर एक आप लोगों को और भी लाइट देखने को मिल जाएगा, तो जब इसके साथ कनेक्ट होगा तो डबल लाइट देखने को मिलेगा, जैसे ही यहाँ पर हम इसे ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर केवल एक ही लाइट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर ग्रीन कलर का। तो गई सर वाकई में ये जो माइक्रोफोन है काफ़ी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का है, बट गई सर इस वाला माइक्रोफोन का जब तक से हम साउंड टेस्टिंग नहीं करेंगे, इसका रेंज पता नहीं करेंगे कि ये वाला माइक्रोफोन कितने रेंज तक पकड़ पाता है, इसका साउंड कटता है या नहीं कटता है, इसका इको का फंक्शन कैसा काम करता है, तब हमें मालूम चलेगा कि ये माइक्रोफोन कैसा काम कर रहा है। तो चले गई सर इस वाले माइक्रोफोन का चलते हैं आउटडोर में और गई सर इसका साउंड टेस्टिंग शानदार टेस्टिंग करते हैं, तब हमें मालूम चलेगा कि ये माइक्रोफोन कैसा काम करता है। तो चलिए इसका आउटडोर में टेस्टिंग करते हैं। तो लाइट गई सर इस वाले माइक्रोफोन का साउंड टेस्टिंग
करने के लिए हम आ चुके हैं अपने गोदाम के पास। तो गई सर, यहाँ पर हमने एक छोटा सा सेटअप लगा दिया जो कि इस वाले माइक्रोफोन को साउंड टेस्टिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, जो कि हम सादे ही एम्पलीफायर को यूज़ करें, क्योंकि सर इसके अंदर मिक्सर और DD3 लगाने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि सर इसके अंदर इनबिल्ट इको का फंक्शन इस वाले माइक्रोफोन के अंदर ही है। तो गई सर, यहाँ पर हम ऊर्जा का 250 वाट का एम्पलीफायर यूज़ करें, यहाँ पर हम 400 वाट का एक टॉप यूज़ करें जो कि 12 इंच ही का है, तो इसमें काफ़ी अच्छा इसका साउंड क्वालिटी हमें सुनने को मिलेगा। तो गई सर, सबसे पहले हमें माइक वन में इस वाले को ऐसे इंसर्ट करना होगा, जो कि यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया है। इंसर्ट करने के टाइम पे ही हमें इस वाले वॉल्यूम को ऑन करना होगा। तो गई सर, यहाँ पर हम वॉल्यूम को ऑन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन कलर का एक लाइट जल गया, और जैसे ही गई सर यहाँ पर इसका पावर बटन दबाएंगे तो ये जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर एक और लाइट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो लाइट गई सर यहाँ पर ये जो है कनेक्ट हो गया है। अब गई सर इसका मैं साउंड टेस्टिंग करूँगा तो आप लोगों को सुनने को मिलेगा, तो आप लोग हेडफोन का यूज़ कीजिएगा तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को साउंड सुनने को मिलेगा। तो लाइट गई सर यहाँ पर हमने बेस को और ट्रेबल को फ्लैट पर रखा है और गई सर मास्टर को जीरो किया है, तो जैसे हम बोलेंगे और मास्टर को ओपन करेंगे तो ये जो है साउंड खुलेगा। हेलो 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 हेलो। तो गई सर ये सादे पे कुछ इस तरीके से काम करता है। बट गई सर अगर हम इसके अंदर इको का फंक्शन लगाते हैं तो यहाँ से सेट वाले वॉल्यूम को दाबेंगे, कुछ टाइम के लिए प्रेस करेंगे और गई सर पुनः इसे इको को हम सेट करेंगे तो यहाँ पर लगभग हम 4 पे छोड़ेंगे तो इको काफ़ी मस्त आएगा। तो अब आप लोगों को साउंड में थोड़ा इफेक्ट सुनने को मिलेगा, जैसे कि हेलो 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 हेलो। वाकई में गाइस इस वाले माइक्रोफोन का जो इको है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, जैसे आप लोग सुन सकते हैं हेलो हेलो हेलो। इसका एक पॉइंट और भी घटा कर देखते हैं गाइस, तो यहाँ पर हमने किया और इसका माइनस किया, 2 पे कर रहे हैं हेलो हेलो हेलो। तो गई सर 2 और 3 पे यूज़ कीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, जो कि इसका इको काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट काम रहा है, जो कि यहाँ पर सुन सकते हैं हेलो 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 माइक टेस्टिंग हेलो। इस टाइप के माइक्रोफोन को आप लोग कैरेकर में भी यूज़ कर सकते हैं, या गई सर आप लोग जो उसके अंदर इनबिल्ट एम्पलीफायर और स्पीकर आता है उसमें भी आप लोग डायरेक्ट इस तरह का TRX जैक जहाँ पे भी खोसने वाला रहेगा आप लोग खोस कर यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो लाइट गई सर यहाँ पर हम अपने माइक्रोफोन को यहाँ पर स्टेबल कर दिया है, जो कि क्लियर आप लोगों को साउंड सुनने को मिलेगा। और गई सर यहाँ से हम वॉल्यूम को उठा दे रहे हैं हेलो 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 हेलो। तो गाइस आप लोग सुन सकते हैं कि हम काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं, जो कि हम कैमरे से काफी ज्यादा दूर हैं और हमारा जो साउंड सिस्टम है वहाँ पे है। फिर भी गाइस सर इस वाले माइक्रोफोन का जो साउंड है बिल्कुल ही नहीं कट रहा है, जो कि आप लोगों को कैमरे के अंदर सुनने को मिल रहा होगा। और गाइस सर वहीं पे हम अपने माइक्रोफोन को छोड़े हेलो 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 हेलो। तो गाइस सर और भी काफी ज्यादा दूर जाने की कोशिश करते हैं कि ये जो माइक्रोफोन है कितना दूर तक साउंड कवर कर पाता है। हेलो हेलो हेलो। तो लाइट गई सर वाकई में इस वाले माइक्रोफोन का जो साउंड टेस्टिंग रहा काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। साथ ही गई सर इस वाले माइक्रोफोन का जो रेंज है काफ़ी दूर तक है, जो कि आप लोगों को साउंड बिल्कुल ही नहीं कटेगा। तो इस सर अगर आप लोग इस वाले माइक्रोफोन को लेना चाहते हैं तो इजीली ले पाएंगे, जो कि इसका बजट काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप लोग इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अमेजोन से भी मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, घर बैठे मंगा पाएंगे। साथ ही गई सर इसका भी एक वेबसाइट है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंशन किया गया www.gvalis.com, जो कि इस पर आप लोग मंगा सकते हैं, जो कि यहां से थोड़ा आप लोगों को कम बजट में ये वाला माइक्रोफोन मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को इस वाले माइक्रोफोन का साउंड टेस्टिंग काफी ज्यादा पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग नए टॉपिक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।